हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के थेपले। इसके लिए हम सबसे पहले गेहूं का आटा लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे मेथी, जैसे आपको पसंद है, ज़्यादा कम आप डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। इसमें पहले हम हल्दी डालेंगे और हमने इसमें ऐड किया है नमक। फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर। अगर आपको ग्रीन हरी मिर्च पसंद हो तो आप इसमें ग्रीन चिली का पेस्ट भी डाल सकते हो। मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। मैं इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ और इसके बाद मैंने डाला है लाल मिर्च का पाउडर। और फिर ये मैंने तिल थोड़े से डाले हैं और अच्छा लगते हैं। और आप इसमें शक्कर भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको पसंद है थोड़ी सी शक्कर डालिए तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छा लगेगा आपको। फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे सारे, जो अच्छे से पहले मिक्स करना है, उसके बाद फिर हम इसमें पानी से उसको आटे को गूंदेंगे। और इसमें ऑयल हम मैंने डाला है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालना है ताकि वो एकदम थोड़े से सॉफ्ट भी रहें। आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो, मेरे पास दही नहीं था इसके मैंने इसमें दही ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास हो तो 1-2 चम्मच आप इसमें दही भी ऐड कर सकते हो। अभी इसमें हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है सारे जो मसाले के साथ मेथी को। अब इसमें पानी डाल के हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और गूंदने के बाद हमें इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखना है। इसके बाद हम थेपले बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा जो आटा है वो रेडी है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको रेस्ट करने के लिए रख दिया है और फिर हम बनाएंगे थेपले। और इसमें आप थेपलों के लिए ऑयल ही यूज़ करिए, ऑयल अगर यूज़ करोगे तो आपको अच्छा टेस्ट आएगा। और आप चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ थेपलों पे लगाने के लिए। और ये आप ठंडे के सीज़न में हेल्दी अच्छे रहते हैं, मीन्स मेथी अच्छी आपको मिल जाएगी सारी भाजी जो है। इससे पहले मैंने जो वीडियो शेयर किया था वो आलू की सब्जी का, प्लीज़ उसको भी देखिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये जो है हमारा डव वो रेडी है। तो हम इसके बाद हम थेपला बना के ओके, तो ये जो हमारा थेपला वो रेडी है। उसको हम अच्छे से सेक लेंगे और इसके हम ऑयल ग्रीस करेंगे। आप चाहे तो उसको घी भी ग्रीस कर सकते हो, बट मैंने इस पर ऑयल ग्रीस किया है। तो ये हमारा जो थेपले है वो रेडी हो गए। तो अब हम इसको सर्व करेंगे। इसको मैंने सर्व किया है ये मिर्ची का जो अचार, इसकी भी रेसिपी है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेगी। और मैंने जो आलू की सब्जी सूखी बनाई थी इसके साथ आप इसको, और आप इसको सुबह चाय के साथ भी खा सकते हो। सो यहाँ पे ये रेडी है गर्मा गर्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग।